कल होने वाली है ऑफिशियली बाबी की एंट्री एंड यहाँ से मैं बाबी के फोटोज भी देख रहा था। देखो मशराब यार ट्रीट देनस जरूर यार। क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का। जोरा तो फंस गया। अब क्या करेगा? मैंने भी क्यों कर उन्हें के मधुर हजनगुड निर्णय पर अब भाई तो फंस गया भाई मेरा तो। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं लेट उठा नींद से एज यूजुअल, जैसा उठता हूँ ठीक है। एंड अभी मैं फोटोज देख रहा था कि जो कि इन लोगों ने चूज किया है उन्हीं में से, मतलब इन लोगों ने एक फोटो दो दफा मतलब डाउनलोड किया है। सो वो चीज़ मेरे लिए इशू हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मेरे को 200 फोटोज बराबर चाहिए, वही मैं ध्यान में रख रहा था। एंड इसी के साथ पहुंच गई हमारी चाय। दे दो, थैंक यू। चलो जी पहले ये काम करते हैं, उसके बाद देखते क्या रहेगा आज दिन भर का। जो उसमें पक गए थे कल होने वाली है ऑफिशियली बाबी की एंट्री एंड यहाँ से मैं बाबी के फोटोज भी देख रहा था। देखो इधर फेस नहीं दिख रहा है तो चलेगा। सो गाइस अभी मेरे को साहिल भाई कर रहे थे कॉल कि आजा मैं तेरे को ट्रीट दूंगा। ट्रीट किस चीज की देगा? मेरी 70 की ट्रीट देगा यार, लिटरली अच्छा दोस्त है ठीक है। पहली बार किसी दोस्त ने मेरे को वही से ट्रीट दी है ठीक है। अब देखते क्या खिलाता है वो ठीक है। एंड पहले तो हम खाएंगे, दूसरी चीज वही से हम जाएंगे कुछ चीजें लाने एंड वो किस से वो चीज है वो मैं आपको बोलूंगा ठीक है। बस बने रहो आप वनिया कर से पेट पान है ठीक है। मैं तंशनो में के हैं बुझे शाम तक दिसो मैं कुंत हाफ में सब फोटो कर ठीक है। ये अगर मैं शाम तक सोसो ना एल्बम मिलो पर 10-15 दो गेसत मैं अभी भी को कश्मीरी कर रहा हूँ। चल सही है आपको कश्मीरी करना चाहिए। गाइस हो गया मैं रेडी, बस इतना समझ लो जहाँ पे खाने की बात होगी वहाँ पे फहीम सबसे आगे होगा, इसलिए तो मेरा वजन इतना चढ़ा। जोक से पार्ट चले जाए से क्या मशराब यार ट्रीट देना मैं वन बॉयज गए 75k मे छ ट्रीट दिस जरूर यार। आन कस दिस ना से तक जरूर है यार। वो क्या खाना है? वो क्या खाना है? मोमिन सर बात बोला रमजान के दिनों में कंटिन्यू इसी के साथ था। सुबह से लेकर शाम तक 30-30 व्लॉग मैंने किया होगा एंड 30-30 व्लॉग में यही होगा ठीक है। वेल हम जाते हैं, पहले किधर जाना है मुझे? ब्रॉड वे। वेल यार आई एम रेडी। इलो चाबी का पाना टेस्ट शॉट लग गयो यार जानी माय लग गयो। चो फोटो में काट दो भाई मैं को साकत में से वाल साइबर से तो बॉय मजा लगा खान रविस वाल क्यों जो करा गियर था सब पागल चुका। तो गाइस हम आए थे ब्रॉडवे खाना खाने एंड इसी के साथ मिल गए हमें एक स्पेशल बंदे जिनका मैं पर्सनली फैन हूँ, इनके गाने का मैं फैन हूँ, मैंने जिक्र किया होगा इनके बारे में। सो वो है लेजेंड बाबूडार। सर क्या हाल है आपके? बस शुक्र अल्लाह का। मतलब मैंने मेरे को नजर ही नहीं पड़ी आप पे, मैंने मतलब आपने फिर अचानक से वहीं से बुलाया मुझे तो, आपने जी बिल्कुल मैंने देखा ही नहीं आपको। बाकी आप कैसे हो? ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। परसों में भी उधर आया था रात को, आप आए थे छतापल, ये छतापल आए थे जहाँ पे मैंने साहिल परवेज का जिक्र किया था ना वहाँ पे, फिर यही आए थे गाने, इन्होंने तीन सॉन्ग्स गाए थे बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकला था फिर उधर। अच्छा गाया था आपने, मैंने वो वीडियो देखा। साहिल भाई थैंक यू, साहिल भाई शुक्रिया फॉर द ट्रीट। लाल चौक पिकन चूज मार्केट क्योंकि मेरे को वहां से कुछ चीजें लानी है, देखनी है उनके पास अवेलेबल होगा कि नहीं। अगर होगा तो मेरा वीडियो बन जाएगा अगला वाला, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा वीडियो, अगर होगा तो वीडियो बनेगा। क्या उसको मान सम्मान ना मनाशी यार आने का पुमारा जो हरी सुन वापस ये कैश में भी आ सकते थे ये पजल
جیسی کی رانی پزلز جو چیزیں مجھے چاہیے تھے ان میں سے میرے کو لٹرلی ایک چیز بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے مت ملے گا. ویل دیکھتے کیا کچھ رہے گا اس ولاگ میں کرنے لائق, جو بھی رہے گا وہ کور کر لیں گے. ٹھیک ہے دوستو, آج مجھے پتا نہیں کیا مشورہ آیا کہ میں جاؤں گا چلڈرن پارک. بچپن سے لے کے ابھی تک میں اب جا رہا ہوں. ٹھیک ہے لگ بھگ 10 سالوں بعد سوار کو مطلب لاسٹ ٹائم چھ چلڈرن پارک 5 ؤری برونٹھ سہ مے بسا ال پل 8-9-10 ؤری برونٹھ سامن انا سوتے کے گھر گن سے پان نے کیہ قران نس پر ادھر چلے ہیں جک تے جو جولس کھسن کھس گئے لاسٹ ٹائم مطلب جو میں آیا تھا نا 8-9-10 سال پہلے جھولے ٹوٹے تھے یہاں پہ سب کچھ, لیکن یہاں پہ ابھی سارا نیا ہے اور سیریس نام. لیکن میرے ٹائم پہ بچے بھی شرارتی تھے, آج کے بچے بھی شرارتی لیکن تب زیادہ ہوتے تھے. کس کو یہیں سے چڑھنا ہے سر تیز آ ہے تیز صحیح میں جو بھی لوگ کہیں کیا کہنا ہے, لیکن میری یادیں تازہ ہو گئی بچپن کی. اس والی پاک کے ساتھ کیا میموریز ہے, عید کے دن صبح ہی بنا چائے پیے نکلتے تھے ہم اس پارک میں آتے تھے, اینڈ یہ کنفرم ہوتا کہ لڑائی ہوتی ہی ہوتی تھی, کوئی چھپری لوگ آتے تھے اس کو دھیرے دھیرے دینا بھائی, چھپری آتے تھے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ سے, پھر لڑائی ہوتی تھی. ہاتھ سب بس آسان. ٹھیک ہے جی, میں کچھ ٹائم پہلے تعریف کر رہا تھا, اب دیکھو کیا ہوا یہاں پہ, ادھر سے بھی ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے اینڈ میں کئی بار ان جھولوں پہ زخمی ہوا ہوں اسی کی وجہ سے. سو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جس کے تک بھی یہ ہے تو پلیز ان کو ریپیئر کرو اینڈ تھوڑا نیا نیا لگاؤ آگے آگے. اپک سوالا کسا علم ہوں دس وچ چلے جی, ابھی ٹائم آ رہا ہے شام کے 6 اینڈ ابھی ٹائم آتا ہے اس والے ولاگ کو اینڈ کرنے کا. آج دن کا پورا ولاگ انایکسپیکٹڈ تھا, جو بھی ہوا سارا انایکسپیکٹڈ ہوا. میں گھر سے نکلا ان کے ساتھ, پھر چلڈرن پارک. ویل جو بھی, اس والے ولاگ کو فنش کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ والا ولاگ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا تو گائز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا. بائے بائے, اللہ حافظ.